عايزين نرجع نرجع مشي وراها نرجع زيها ايوه كارو मैंने कहा यहाँ पे सब साथी जमा हो जाए थोड़ा फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते गए जो पीछे रह गए वो रह जाएंगे पता नहीं कहाँ चले गए। अभी आ रहे हैं आगे सभी या पीछे है कोई हम यहाँ से उतर रहे हैं तुम आओ ठीक है। ये खैमे हैं देखें ये भी दौरे तुर्क के बने हुए हैं जब तुर्की की हुकूमत थी ये उस वक्त के खैमे उन्होंने बनाए और बड़े ही आला क्वालिटी की ये ऊपर कपड़ा और ऊपर चादर लगी हुई है यानी कि धूप से बचाते हैं पानी या और आग से भी ये महफूज रखते हैं। अच्छा वादी मीना में एक और हमारी अब जियारत आएगी आप अपने सीधे हाथ पे देखें ये देखें यहाँ से जाली शुरू होगी है ये ग्रीन कलर की हल्की सी ग्रीन की जाली जा रही है यहाँ से जाली खत्म होगी आगे बोर्ड लगा हुआ उसपे ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर एक छोटा सा मैदान का टुकड़ा आएगा वो है वादी मुहसर वादी मुहसर वो जगह है वादी मुहसर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा वजल का अजाब नाजल हुआ था। अजाब किस पर नाजल हुआ वो सामने बोर्ड नजर आ रहा है देखें यहाँ से जो मेरे साथ बैठे हुए उन्हें तो नजर आएगा 3 नंबर लिखा हुआ है ये देखिए देखिए आपको लोग नजर आएंगे वो देखें सफेद सफेद रंग कलर के कपड़े पहने हुए वो हुजाज इकराम ऊपर जा रहे हैं ये देखिए अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा बिल्डिंग के आगे से ये गा रहे हैं जबले नूर ये वो पहाड़ है ये वो गार है अभी भी सुनो ये देखिए गारे मीरा है यही पर ये देखिए लोग चढ़ रहे हैं देखिए ये देखिए लोग जा रहे हैं जिनमें मर्द भी शामिल है खवातीन भी हैं देखिए ऊपर जाने वाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए वो क्रेने लगी हुई है वो रास्ता बन रहा है गारे मीरा पे ऊपर जाने का यही वो पहाड़ है जहाँ पर सूरे अलक की पहली 5 आयतें नाजिल हुई यानी कि यही से सिलसिला कुरान पाक का नाजिल होने का शुरू हुआ था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठीक है। यहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था किस पर अब्रहा के लश्कर पर हुआ था अब्रहा कौन था यमन का बादशाह था ये और ये अल्लाह के घर खाना काबा को मिसमार करने के लिए शहीद करने के लिए आया था और हाथी पर सवार था हाथी का नाम महमूद था और इसी जगह पर आकर हाथी बैठ जाता है वो उठ जाएगा वो देखिए वो छोटी सी ऊपर खिड़की है ये